वेल प्रो कबड्डी सीजन 11 का पहला लेग हैदराबाद लेग हो चुका है खत्म। टोटल 44 मैचेस खेले जा चुके हैं। किस तरीके से हैदराबाद लेग एंड हुआ, तेलुगु टाइटंस की टीम ने डिफेंडिंग चैंपियंस पुनेडी पल्टन को हरा दिया है। पॉइंट्स टेबल बहुत ही ज्यादा उलट पुलट हो चुका है। पॉइंट्स टेबल आपके सामने क्लियर बताने वाला हूं अच्छे तरीके से अपकमिंग मैचेस के साथ। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसी कबड्डी के वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। 12वें रैंक से शुरुआत करते हैं तो अभी भी 12वें रैंक पे गुजरात जायंट्स की टीम है। गुजरात जायंट्स की टीम ने 6 मैचेस खेले, 1 जीती है, 5 हारी है। 7 अंकों के साथ इनका जो स्कोर डिफरेंस है अभी भी -59 का चल रहा है। गुजरात जायंट्स की टीम पिछले 5 मुकाबले हार के आ रही है एंड आज के दिन नोएडा में मुकाबला खेलने वाली है हरियाणा स्टीलर्स के अगेंस्ट। 11वें रैंक की बात करते हैं तो 11वें रैंक पे बेंगलुरु बुल्स की टीम है। कल का मुकाबला बंगाल वॉरियर्स के अगेंस्ट 11 पॉइंट्स के मार्जिन से हार चुकी है। ओवरऑल 8 मैचेस खेले, 2 जीती है, 6 हारी है, 12 पॉइंट्स के साथ बेंगलुरु बुल्स का जो स्कोर डिफरेंस है अब -56 का जा चुका है। बेंगलुरु बुल्स का जो नेक्स्ट मुकाबला होगा वो खेला जाएगा जयपुर पिंक पैंथर्स के अगेंस्ट एंड ये मैच 12 नवंबर को खेला जाएगा। इसी के साथ नंबर 10 की बात करते हैं तो नंबर 10 पे यूपी योद्धास की टीम है। यूपी योद्धास की टीम ने 7 मैचेस खेले, 3 जीती है, 4 हारी है। 19 अंकों के साथ यूपी योद्धास का जो स्कोर डिफरेंस है +19 का चल रहा है। यूपी की टीम पिछले 3 मुकाबले लगातार हार के आ रही है एंड यूपी की बात की जाए तो आज के दिन नोएडा लेग स्टार्ट हो रहा है तो इनका एक होम लेग ही कह सकते हैं। यू मुंबा के अगेंस्ट होम लेग का शुरुआत करेगी यूपी योद्धास की टीम, आज ये मुकाबला खेला जाएगा। इसी के साथ नंबर 9 की बात करते हैं तो नंबर 9 पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम है। जयपुर की टीम ने 7 मैचेस खेले, 3 जीती है, 3 हारी है, 1 मुकाबला टाई किया है। 20 अंकों के साथ जयपुर का जो स्कोर डिफरेंस है +22 का चल रहा है। जयपुर की टीम पिछला मुकाबला पटना पायरेट्स के अगेंस्ट हार के आ रही है 2 पॉइंट के मार्जिन से एंड नेक्स्ट मुकाबला अब जयपुर की टीम बेंगलुरु बुल्स के अगेंस्ट खेलने वाली है। ये मुकाबला 12 नवंबर को खेला जाएगा। अब बाकी 8 टीमों के बारे में जाने इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ हैदराबाद लेग हो चुका है खत्म। कल का मुकाबला तेलुगु टाइटंस एंड पुनेडी पल्टन का बहुत ही एक्साइटिंग था एंड नोएडा लेग में भी आपको एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिलेंगे। अभी भी आप मैचेस फ्री में नहीं देख पा रहे हो तो स्टार स्पोर्ट के यूट्यूब चैनल पे पीकेएल के लाइव कवरेज हो रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। बस ट्विस्ट यही है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा के व्यूअर्स नहीं एक्सेस कर सकते। अब आप कैसे एक्सेस कर सकते आपको पता होगा, जो भी मैचेस के लिंक होंगे वो आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएंगे। अब तक जितने भी मैचेस हुए सभी मैचेस के लिंक प्रोवाइड किए हैं एंड साथ ही में जितने भी कबड्डी के अपडेट्स वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए एंड ये वाला जो लिंक आपको टेलीग्राम का दिखेगा इस पर क्लिक करके फटाफट ज्वाइन हो जाइए। इसी के साथ नंबर 8 की बात करते हैं तो नंबर 8 पे तमिल थलावास की टीम अब आ चुकी है। तमिल थलावास की टीम ने 8 मैचेस खेले, 3 जीती है, 4 हारी है, 1 मुकाबला टाई किया है। 21 पॉइंट्स के साथ तमिल थलावास का जो स्कोर डिफरेंस है -35 का चल रहा है। तमिल थलावास की टीम पिछले 3 मुकाबले हार के आ रही है एंड तमिल थलावास का जो नेक्स्ट मुकाबला होगा डायरेक्टली 14 नवंबर को खेला जाएगा। ये जो मुकाबला है वो यू मुंबा के अगेंस्ट होने वाला है। नंबर 7 की बात करते हैं तो नंबर 7 पे हरियाणा स्टीलर्स की टीम है। हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने 6 मैचेस खेले, 4 जीती है, 2 हारी है, 21 अंकों के साथ हरियाणा का जो स्कोर डिफरेंस है +22 का चल रहा है। हरियाणा की टीम पिछले 5 मुकाबले में से 4 मुकाबले जीत के आ रही है। पिछला मुकाबला गुजरात जायंट्स को 13 पॉइंट्स के मार्जिन से हराया था। आज के दिन नोएडा लेग स्टार्ट हो रहा है, गुजरात जायंट्स एंड हरियाणा स्टीलर्स की टीम फिर से भिड़ने वाली है। नंबर 6 की बात करते हैं तो नंबर 6 पे अब आ चुकी है पटना पायरेट्स की टीम। पटना पायरेट्स की टीम ने 7 मैचेस खेले, 4 जीती है, 3 हारी है। 22 पॉइंट्स के साथ पटना पायरेट्स का जो स्कोर डिफरेंस है +4 का चल रहा है। पटना पायरेट्स की टीम पिछला मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स के अगेंस्ट जीती है एंड पटना पायरेट्स का नेक्स्ट मुकाबला अब डायरेक्टली कल के दिन यानी कि 11 नवंबर को खेला जाएगा गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट। एंड इसी के साथ नंबर 5 की बात करते हैं तो नंबर 5 पे बंगाल वॉरियर्स की टीम है। बंगाल वॉरियर्स की टीम ने 7 मैचेस खेले, 3 जीती है, 2 हारी है, 2 मुकाबले टाई गए। 23 पॉइंट्स के साथ बंगाल वॉरियर्स का जो स्कोर डिफरेंस है +8 का चल रहा है।
बंगाल वॉरियर्स की बात की जाए तो कल का मुकाबला बेंगलुरु बुल्स के अगेंस्ट आराम से जीत गई 11 पॉइंट्स के मार्जिन से। इसी के साथ इनका स्कोर डिफरेंस भी पॉजिटिव में जा चुका है। बंगाल की टीम भी अपना नेक्स्ट मुकाबला गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट खेलने वाली है। ये जो मुकाबला होगा वो होगा 13 नवंबर को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक्सेल 11 फैंटेसी ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्सेल 11 फैंटेसी ऐप में आप कबड्डी की टीम क्रिएट करो, पीकेएल के कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और पैसे कमाओ। पीकेएल का ही स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको लोवेस्ट कमीशन देखने को मिल जाएगा जो कि 5% है। बाकी से कंपेयर किया जाए, कंपैरिजन की बात की जाए तो आप देख ही सकते हो कि ₹230 का कॉन्टेस्ट जो कि आपको दूसरे फैंटेसी ऐप में देखने को मिलेगा, वहीं पे आपको एक्सेल 11 में 212 का, 5,750 का कॉन्टेस्ट अगर आप बाकी में ज्वाइन करोगे तो सेम कॉन्टेस्ट आपको यहाँ पे 5,285 का देखने को मिल जाएगा। काफी ज्यादा डिफरेंस है तो आप ज्यादा सेव कर सकते हो। आज से नोडल एक स्टार्ट हो रहा है, आज के दो बड़े मुकाबले होने वाले, तो आप टीम क्रिएट कीजिए, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए। पीकेएल 11 का स्पेशल इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड भी चल रहा है जिसमें आप टॉप करते हो तो थाईलैंड का ट्रिप, गोवा का ट्रिप, आईफोन जीत सकते हो, टेक प्रोडक्ट्स एंड कैश प्राइजेस भी जीत सकते हो। मेरा प्रोमो कोड खेल कबड्डी यूज कीजिएगा ताकि आपको ₹100 का बोनस मिल जाएगा। बोनस के डेडिकेटेड कॉन्टेस्ट भी होते हैं तो आप बोनस के पैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इंतजार किस चीज का करो, फटाफट एक्सेल 11 फैंटेसी ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसी के साथ टॉप 4 टीम्स की बात करते हैं। नंबर 4 की बात की जाए तो नंबर 4 पे दबंग दिल्ली की टीम आ चुकी है। दबंग दिल्ली की टीम ने 9 मैचेस खेले, 4 जीती है, 5 हारी है 24 पॉइंट्स के साथ। इनका जो स्कोर डिफरेंस है -5 का चल रहा है। दबंग दिल्ली की टीम पिछले 2 मुकाबले जीत के आ रही है। इनका नेक्स्ट मुकाबला बड़ा मुकाबला होने वाला है, पुनडी पल्टन के अगेंस्ट भिड़ने वाली है। ये मुकाबला 12 नवंबर को खेला जाएगा। इसी के साथ नंबर 3 की बात करते तो नंबर 3 पे अब आ चुकी है यू मुंबा की टीम। यू मुंबा की टीम ने 7 मैचेस खेल लिए, 4 मुकाबला जीती है, 2 मुकाबला हारी है, 1 मुकाबला टाई गया है। 24 पॉइंट्स के साथ यू मुंबा का जो स्कोर डिफरेंस है +1 का चल रहा है। यू मुंबा की टीम पिछले 2 मुकाबले लगातार जीत चुकी है। आज के दिन यूपी उधास के अगेंस्ट उन्हीं के घर पे खेलने वाली है। ये मुकाबला बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। एंड टॉप 2 टीम्स की तरफ बढ़े तो नंबर 2 पे पहली बार आ चुकी है तेलुगु टाइटन्स की टीम। किसी ने भी सोचा नहीं था कि तेलुगु टाइटन्स की टीम इतना अच्छा खेलेगी पिछले 4 मुकाबले में। पिछले 4 मुकाबले लगातार जीत के आ रही है एंड टोटल 5 मुकाबले जीत चुकी है, 8 मैचेस में से 3 हारी है। 26 पॉइंट्स हो चुके हैं तेलुगु टाइटन्स का। जरूर स्कोर डिफरेंस -34 का चल रहा है लेकिन रैंक नंबर 2 पे है तेलुगु टाइटन्स की टीम। नेक्स्ट मुकाबला तेलुगु टाइटन्स की टीम यूपी उधास के अगेंस्ट खेलने वाली है। ये जो मुकाबला होगा 14 नवंबर को खेला जाएगा। तो तेलुगु टाइटन्स की टीम अभी बहुत ही अच्छे रिदम में खेल रही है। एंड नंबर 1 की बात करते हैं तो नंबर 1 पे पुनडी पल्टन की टीम है। पुनडी पल्टन की टीम ने 8 मैचेस खेले, 5 मुकाबला जीती है, 2 मुकाबला हारी है, 1 मुकाबला टाई गया है। 30 अंकों के साथ पुनडी पल्टन का जो स्कोर डिफरेंस है वो अभी भी +59 का चल रहा है। पुनडी पल्टन की टीम कल का ही मुकाबला हार गई तेलुगु टाइटन्स के अगेंस्ट एंड नेक्स्ट मुकाबला दबंग दिल्ली के अगेंस्ट खेलने वाली है। ये जो मैच होगा 12 नवंबर को खेला जाएगा। तो हैदराबाद लेग खत्म हो चुका है, टोटल 44 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। अभी भी पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे पुनडी पल्टन की टीम है, बॉटम पे गुजरात जायंट्स की टीम है। टॉप 6 टीम्स की बात की जाए तो पुणे, तेलुगु टाइटन्स, यू मुंबा, दिल्ली, बंगाल वॉरियर्स एंड पटना पायरेट्स की टीम है। नोएडा लेग कंप्लीट होने के बाद और भी ज्यादा जो पॉइंट्स टेबल में चेंजेस है वो हमें देखने को मिलेगा। आज से नोडल एक स्टार्ट हो रहा है, आज 2 धमाकेदार मैचेस होने वाले। पहले मुकाबले में होम टीम यूपी उधास की टीम भिड़ेगी यू मुंबा के अगेंस्ट एंड दूसरे मुकाबले में गुजरात जायंट्स की टीम हरियाणा स्टीलर्स के अगेंस्ट भिड़ने वाली है। आपको क्या लगता है दोनों मुकाबले कौन सी टीम जीत सकती है, कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी टॉप रेडर्स एंड टॉप डिफेंडर्स पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा जैसे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। अभी आपके स्क्रीन पे वीडियो शो हो रहा होगा तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं उसी वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।